नमस्ते दोस्तों, क्या आप लोगों के घर में किसी को फ्रैक्चर हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि ये फ्रैक्चर किस प्रकार का है? दोस्तों, कई तरह के फ्रैक्चर होते हैं जो कि हड्डियों में हो जाते हैं। अगर फ्रैक्चर की डेफिनेशन की बात की जाए तो फ्रैक्चर का मतलब होता है ब्रिच इन द कॉर्टिकल इंटीग्रिटी ऑफ द बोन, यानी कि बोन में होने वाला किसी भी प्रकार का जो क्रैक है उसे फ्रैक्चर कहा जाता है। नॉर्मली जो फ्रैक्चर होते हैं उसको कई तरीके से अपन क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है वो कि किस तरीके से वो फ्रैक्चर हुआ है। यदि कि हड्डी एकदम बीच में से सीधी लाइन में टूटी है तो उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। वहीं अगर हड्डी ऑब्लिक टूटती है, यानी कि एंगल बनाते हुए टूटती है, तो उसे ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। यदि सिर्फ दो ही पार्ट हुए हैं तो टू पार्ट फ्रैक्चर होता है। लेकिन अगर हड्डी के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो गए तो उसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाता है, यानी कि जिसमें मल्टीपल पीसेस हो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हड्डी टूटती नहीं है, बिल्कुल हल्का सा क्रैक होके रह जाता है, जिसे कि हेयर लाइन फ्रैक्चर कहा जाता है, जो कि सिंपल एक्सरे पे दिखता भी नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी डिजिटल एक्सरे पे ही आपको पता चलता है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर हो रखा है। फ्रैक्चर को दूसरा ये तो था कि फ्रैक्चर की डिज़ाइन किस प्रकार की है, उसके हिसाब से हमने फ्रैक्चर को बांटा है। इसके अलावा एक दूसरा वेरिएंट होता है दोस्तों, उसका नाम होता है कॉज के हिसाब से। तो कॉज के हिसाब से दो तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं। एक ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, जो कि गिरने पड़ने या चोट लगने से हो जाता है, जैसे कि आप फिसल के गिर गए, कोई चोट लग गई, तो उससे जो फ्रैक्चर होता है उसको ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर की दूसरी वेराइटी होती है कारण के हिसाब से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तब हो जाता है जब आप बहुत तेज़ नहीं गिरते, हल्का सा ही गिरते हैं, लेकिन तब भी हड्डी टूट जाती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने की कई वजह हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जिसे कि ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके वहाँ पर पहले से ही कोई हड्डी में कोई गांठ बनी हुई हो, ट्यूमर हो, और हड्डी कमज़ोर हो रखी हो और वहीं पर आप गिर जाओ और फ्रैक्चर हो जाए। दोस्तों, कई बार तो ट्यूमर का पता फ्रैक्चर से ही चलता है, यानी कि पहले पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसके कोई गांठ है, लेकिन जब वो छोटी सी चोट लगने से ही एक्सरे करवाता है और टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको पता चलता है कि उसके तो कोई गांठ थी और अब उसमें फ्रैक्चर हो गया है। ट्यूमर कई तरह के हो सकते हैं, सिंपल बोन सिस्ट, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, कई कई तरह के ट्यूमर होते हैं जो कि हड्डी को अंदर से खोखला कर देते हैं, लेकिन पता तभी चलता है जबकि चोट लग जाती है। बच्चों के अंदर दोस्तों, उनकी जो हड्डियाँ होती है वो गीली लकड़ी की तरह होती है, तो एकदम दो टुकड़े तो उनके कभी भी नहीं होते हड्डियों के, उनमें हड्डियाँ जस्ट थोड़ा सा बैंड होके रह जाती हैं, जिसे कि हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में टोरस फ्रैक्चर कहते हैं। तो जब बच्चों का एक्सरे देखते हैं तो आप देखेंगे हल्का सा हड्डी में उभार आ जाता है, बाकी हड्डी टूट के दो टुकड़े नहीं होती, इसे टोरस फ्रैक्चर कहते हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है जिससे हम फ्रैक्चर को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलाज के हिसाब से एक फ्रैक्चर का वेरिएंट है, जिसे सिंपल या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। तो अगर आपके जब फ्रैक्चर हुआ है तो स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ब्लड नहीं निकला, सिर्फ हड्डी अंदर से टूटी है और बाहर से देखने पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो इसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप गिरते हैं तो हड्डी टूट जाती है और साथ में स्किन को फाड़ के बाहर निकल जाती है। आपने देखे होंगे रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें काफ़ी कुछ ब्लड निकलता है और हड्डी भी बाहर दिखती है, ऐसे फ्रैक्चरों को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर दोस्तों इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि हड्डी बाहर के वातावरण से संपर्क में आ जाती है, साथ में उनमें बैक्टीरिया लगने का चांस होता है। इसके अलावा जो फ्रैक्चर हिमेटोमा होता है, फ्रैक्चर को हील करने में जो मदद करता है ब्लड, वो बाहर निकल जाता है, इस वजह से उसके जुड़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि फ्रैक्चर को कई भागों में हम बांट सकते हैं, किस तरीके का फ्रैक्चर है उस डिज़ाइन के तौर पर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, किस कारण से हुआ इसके हिसाब से, कारण के हिसाब से, कॉज के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, किस एज ग्रुप में हुआ उसके हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, और किस प्रकार का उसमें इलाज आगे होगा इसके हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मोटे तौर जानकारी थी कि किस प्रकार से कि आप अपने घर पे ही समझ सकते हैं कि आपके किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है। दोस्तों, फ्रैक्चर के इलाज में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि उस पार्ट को जहाँ पर कि फ्रैक्चर हुआ है ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, वरना डैमेज और बढ़ सकता है। तो फर्स्ट एड के तौर पे उसे कच्चा प्लास्टर या स्प्लिंट लगा दिया जाता है, मैगजीन से या स्टिक से, जैसे कि स्काउट गाइड में सिखाया जाता है, फर्स्ट एड के वक्त सिखाया जाता है, तो हम हिलना डुलना रोक देते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर शुरू शुरू में आपको कच्चा प्लास्टर लगा देते हैं, क्योंकि उनको ये वाली बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर फ्रैक्चर अपनी जगह से हिलता रहेगा तो डैमेज और ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर आपका एक्सरे करवाते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा या ये प्लास्टर से ही सही हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर जब फ्रैक्चर जॉइंट के आसपास होता है तो उस वक्त उस फ्रैक्चर को इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर कहा जाता है, और इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर में ज़्यादातर जॉइंट का ऑपरेशन करके ही उसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि जॉइंट के आसपास फ्रैक्चर के अपने आप जुड़ने के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर फ्रैक्चर लॉन्ग बोन में हुआ है और ज़्यादा हड्डी हिली नहीं है, जैसे कि हमारी लैंग्वेज में अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहा जाता है, यानी हड्डी क्रैक तो हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई, तो प्लास्टर से भी इसको सही किया जा सकता है।
दोस्तों फ्रैक्चर तो वैसे भी अपने आप जुड़ता ही है, लेकिन सर्जरी का फायदा यही होता है कि एक्यूरेट सूत से सूत मिला के एकदम लाइन टू लाइन मैच किया जा सकता है, तो इस वजह से ऑपरेशन कराया जाता है। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर मैं प्लास्टर से ही सही करवा लूँ या ऑपरेशन कराऊँ, तो इसका डिसीजन आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास छोड़ दीजिए। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि प्लास्टर से ही ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभी जब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, या तो फिर आपका फ्रैक्चर इस प्रकार का है कि जॉइंट के बहुत पास है, तो हमें ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये फ्रैक्चर्स के कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन और उसका मैनेजमेंट था। धन्यवाद दोस्तों। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाए।